नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग तो विभिन्न तरह के डिजिटल बैंक के बारे में सुना है। एयरटेल ने सबसे पहले इंडिया के ऊपर डिजिटल बैंक खुला है, एयरटेल पेमेंट बैंक जिसे कहते हैं। उसके बाद नया जो बैंक खुला है उसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। हम लोग तो सभी पेटीएम में बहुत से नया नया ऑफर के बारे में जानते हैं, पेटीएम के रिचार्ज करते हैं, पेटीएम से प्रोमो कोड मिलता है, पेटीएम से मूवी का टिकट खरीदते हैं, बहुत सी नया नया चीज़ पेटीएम से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे पेटीएम मॉल। आज पेटीएम ने नया एक बैंक लॉन्च किया है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके अंदर से आप सभी फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन की सुविधा बाद में आएगा, अभी नहीं आया है तो नया लॉन्च किया है, इंश्योरेंस का सुविधा है। क्या है पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके बारे में आज मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ सुजीत, आप देख रहे हैं विशेष टेक्निकल। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट जो है पेटीएम का उसे ओपन कीजिए। ये मेरा अकाउंट है। पेटीएम के अंदर भीम ऐप्स का यूज़ हो रहा है, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पेटीएम में कैसे भीम ऐप्स की यूपीआई के यूज़ करते हैं। नया ही आए हैं तो आप देख सकते हैं नीचे वाला जो बटन है, इधर एक होम मॉल स्कैन एयर एक ऑप्शन है बैंक, ये बैंक क्या है तो मैं इसे प्रेस कर देते एक बार। इधर आप देख सकते हैं बैंक के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इधर मैंने बैंक का ऑप्शन खोल कर रखा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पेटीएम का इंटरफेस। तो सबसे पहले आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद देखिए लिखा हुआ है इंडियन मोस्ट साइंस बैंक इज हियर, प्लीज़ चेक योर सेविंग ओपनिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या है, आप बैंक में जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं ना उस अकाउंट को इधर खोल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई आपका कार्ड डेबिट कार्ड नहीं देगा, सिर्फ चेक और ड्राफ्ट का फैसिलिटी आने वाला है। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे दिखा रहा है वो आएगा, और आप सेविंग ऑनलाइन जैसे कि खरीदारी ऐसे कर ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से ये कर सकते हैं। आपको एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर आपका एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर है, सब कुछ है, उसके अंदर से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको क्या करना है, ये देखिए मेरा पेंडिंग का ऑप्शन है, मैंने एक आधार कार्ड नंबर डाल के उसे प्रोसेस किया था, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा पेंडिंग प्रोसेस हो रहा है, कंप्लीट नियर वेरिफिकेशन ऑथोराइज को दिखा रहा है। तो साइट में जहाँ भी है मुझे वहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अगर आप नहीं चाहते तो पे योर पेटीएम, तो इधर से आप ऑप्शन पे आएगा, उसे कॉल करके आप घर में जाके आपका जो पेटीएम का ऑफिसर है जो चेकिंग करने के लिए आता है वेरिफिकेशन, आपके घर में आके आपका जो आधार और पैन कार्ड का नंबर है वो आपके वेरिफिकेशन कर देगा। तो मैंने ये तो एक प्रोसेस पहले से किया हुआ है, खाल पिछले दिन ने मैंने जो मेरा नंबर है उससे एक पेटीएम बैंक का अप्लाई किया था। वो बैंक कैसा है, कैसे दिखाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरा दूसरा अकाउंट, इस अकाउंट से मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक को अकाउंट खोला है, ये देखिए ये मेरा नाम है, आप इधर जाके देख सकते हैं। मैं बैंक पे जाऊँ, ये देखिए ये ऑप्शन इधर आ गया। जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका फिंगरप्रिंट, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल के दोबारा जो केवाईसी प्रोसेस है वो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, मैं अभी मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसको आपको दिखाऊंगा। पेटीएम का ये देखिए लिखा हुआ है, पेटीएम वेलकम टू योर पेमेंट बैंक, यू हैव सक्सेसफुल ओपन योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। आपका जो फ़ोन नंबर है वही से आपका सेविंग अकाउंट नंबर होगा। और ये देखिए डिजिटल रुपए बैंक डेबिट करता है और उसका सेविंग अकाउंट खुल गया है। जिसका भी आप इधर जाके आपका कोई भी सुझाव हो तो 011-3399-6699 पर कॉल करके आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा एक बैंक कार्ड का फेस होगा, इधर आप जाके देख सकते हैं, ये देखिए खोल रहा है, एक मिनट मैं इंटरनेट बंद करके दोबारा एक बार कोशिश करता हूँ।
अब शायद हो जाएगा, प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने पहले भी आपको भी बता दिया है कैसा कार्ड होता है, तो ऐसे करके आप अपना अकाउंट में पेमेंट बैंक के थ्रू आपका जो मनी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये लोग आपको IFSC कोड सब कुछ देगा, ये देखिए IFSC कोड, ठीक है सब कुछ है इधर। 4% इंटरेस्ट पर एनुअल देगा। ये देखिए डिजिटल कार्ड यूज़ ऑनलाइन पेमेंट शॉपिंग बिल पेमेंट। तो ऐसे करके आप अपना अकाउंट पेटीएम ऐप्स के अंदर से पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। तो मेरा प्रोसेस हो रहा है कार्ड, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम की तरह नहीं हो रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो एयरटेल का जो ऐसे पेमेंट बैंक खोला है, पेटीएम का भी मॉल खोल लीजिए, फ़ोनपे अंदर से आप UPI ट्रांजेक्शन कीजिए, आपको भी ऑफर का सुविधा मिलेगा। तो ऐसे करके आप बहुत सी रहना अकाउंट खोल के ये सिक्योर है, ये मैं बता दूँ आपको। पेटीएम इतना सब लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है, पेटीएम के थ्रू आप लोग बहुत सी नया नया वीडियो देखा है पैसे ऐसे अर्न करना है, तो पेटीएम सिक्योर है। ये पेमेंट बैंक डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कार्ड खो जाने की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके आप अपना पेटीएम का जो पेमेंट बैंक वो खोल सकते हैं। आप प्लीज़ इधर जाके आपका अप्लाई कर दीजिए। पेटीएम का जो KYC रिक्वेस्ट चेकर है जो आपके घर में आके KYC चेकअप कर लेगा और आपका अकाउंट जो खुल जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एयरटेल की तरह नहीं है जो 50 रुपीज़ डिपोजिट देना पड़ता है, ऐसा नहीं करता है। 1,00,000 रुपीज़ रखना पड़ता है, उसके ऊपर नहीं रखना पड़ता है, इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं है। तो यह है एक छोटा सा वीडियो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्लीज़ दबाइए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।